थोड़ा मन बना रहे हैं बाबा, वो जो थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है ना, गंभीर मुद्दा है एक ध्यान का, है ना। ध्यान कैसे दें, ध्यान अध्ययन के लिए ध्यान, इसके बारे में थोड़ा और, क्योंकि अध्ययन को पूरा करना है, ध्यान की सुस्थता चाहिए। अध्ययन का ध्यान तभी लगता है। हाँ। हमारा आवश्यकता क्या था, हमारी आवश्यकता क्या था, आवश्यकता है तो ध्यान लगता है, नहीं तो नहीं लगता। हमारा आवश्यकता का प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो तत्काल लगता है, सेकंड प्रायोरिटी है तो थोड़ा देर से लगता है, थर्ड प्रायोरिटी है तो और देर से लगता है। ऐसा काम है, सही बात, सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा। आई थिंक ये ठीक बात है, बात सही है, ये ठीक बात है, ठीक बात है, हो गया वो सही। आगे और आगे, हाँ और आगे सोचना पड़ेगा बाबा। एक बात है ना, है ना, एक बात आप बोलते हैं बाबा कि आत्मा जो है सम विषम क्रिया से मुक्त है ना। आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ है, बता दिया है ना। और तो इसमें ये एक तो ये वाक्य मैंने आपसे सुना, आत्मा एक मध्यस्थ क्रिया है, ठीक है। दूसरा आपने ये कहा हर इकाई प्रकाशमान है ना, ये कहा हर इकाई में रूप गुण स्वभाव नहीं था। हाँ एक मिनट सुन तो लीजिए ना, हर इकाई में पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो उसमें गलत हो तो थोड़ी देर बाद बताइए, उसी को रिपेयर किया। अभी अभी सुन तो लीजिए, पहला मैंने बोला आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, ठीक है। दूसरा मैंने ये बोला कि हर इकाई प्रकाशमान है, हर इकाई प्रकाशमान है ना, वो ठीक है, ठीक है। तीसरा मैंने आपका जो श्रवण किया उसमें ये आपने कहा कि व्यापक में प्रकाश का अभाव नहीं है, है ना, एक ये कहा, मतलब कि व्यापक भी प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान है, व्यापक स्वयं प्रकाशमान, मतलब व्यापक में ना तो रूप है ना गुण है ना, उनमें जो है ना उसको बताया। हाँ। वह मैंने व्यक्त है, व्यापक व्यक्त है, व्यक्त है बिना रूप गुण के, है ना, कैसा व्यक्त है बताया। हाँ, पारगामी पारदर्शी के रूप में व्यक्त। अच्छा, पारगामीता और पारदर्शीता व्यापक के व्यक्त होने का स्वरूप है। हाँ। व्यापक की प्रकाशमानता पारगामीयता और पारदर्शीता के रूप में, और प्रकृति की प्रकाशमानीयता रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में है। ठीक ठीक ठीक, अब ठीक हुआ ये, ठीक। अब एक थोड़ा सा, एक छोटा सा और मार्मिक जो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है वो जरा अपन ध्यान से करें, है ना, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, ये मार्मिक बात है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे चलेंगे कि देखिए क्रमशः जैसे मैं अध्ययन कर रहा हूँ, है ना, एक स्थिति पर अध्ययन पूरा होगा, है ना, ठीक है। उससे पहले भी आत्मा जो मध्यस्थ क्रिया है सम विषम के व्यवधान से मुक्त है। अध्ययन जो पूरा हुआ उस समय भी सम विषम के व्यवधान से मुक्त है। तो आत्मा में मतलब है ना, इस स्थिति में अनुभव काल में से पहले, अनुभव काल के बाद और अनुभव काल में आत्मा की क्रिया में क्या अंतर हुआ? आत्मा की क्रिया में अभी बताया सम विषम से मुक्त है, एक बात हो गया, एक बात हो गया, वो सदा स्टैंड स्टिल है। हाँ। अब होना क्या चाहिए, मध्यस्थ। हाँ। मध्यस्थ का प्रकाश होना नहीं होना, इतना ही है। अच्छा, तो मध्यस्थ का प्रकाश, पहले भी मध्यस्थ क्रिया थी, अब बाद में भी मध्यस्थ क्रिया थी, होते हुए भी मध्यस्थ क्रिया थी, व्यक्त होने में जो थी, क्योंकि बुद्धि में, बुद्धि जब थी भ्रम, मतलब बुद्धि भ्रमित कहना ठीक नहीं होगा, बुद्धि में वस्तु नहीं थी। अच्छा, फिर से बोलिए। सत्य बोध नहीं हुआ था, सत्य बोध नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था। हाँ। इसीलिए अनुभव प्रकाश नहीं हुआ था, ठीक हो गया ये तो, इतने ही तो बात, बिल्कुल इतने। इसके बीच में हम जो अध्ययन करते हैं अनुभव के लिए करते हैं। हाँ। अनुभव होगा इस बात के लिए करते हैं, तो उसमें जो है ना सिलसिले से समाधान निकलता ही जाता है, सिलसिले से, इसीलिए विश्वास होता है अनुभव होगा, ठीक है। तो ये जो सिलसिले की जो, एक सेकंड, सिलसिले की जो बात है ना, ये है, मतलब इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि एक मतलब अब जैसे
मतलब इसको शुरू करना पड़ेगा पूरे से और स्वयं तक आना है ना, जैसे संपूर्ण सह अस्तित्व है ना, उस सह अस्तित्व में अपन धरती तक पहुंच गए है ना, धरती तक पहुंच गए उसमें है ना, अनुसंधान तक पहुंच गए है ना, अनुसंधान के बाद में अपनी शरीर यात्राओं तक पहुंच गए है ना, शोध में तक अध्ययन शोध है, हाँ वही तो अनुसंधान नहीं है, नहीं नहीं मैं ये पूरे शोध जो क्रिया जो कर रहा हूँ, मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ उसमें क्या है, वो शोध विधि है, हाँ वही तो उसको शोध विधि अनुसंधान नाम दिया है, नहीं अनुसंधान मैंने ये जो पूरा अनुक्रम का अनुक्रम से अनुभव होता है ना, अनुक्रम से अनुभव होता है ना, तो उस वो शोध है, हाँ वही तो, एक सेकंड सुनिए तो सही, देखिए अनुक्रम की बहुत सारी कड़ियाएं हैं है ना, हो गया ठीक है, ये इस धरती की यात्रा है ना, इसमें से एक यात्रा की कड़ी में आप हैं है ना, वो उसको अनुसंधान की उसको अनुसंधान माना जाए है ना, तो अनुसंधान घटना है, हाँ वो घटना हुई, शोध सामान्य है, शोध यही तो कर रहे हैं ना बाबा, जो ये क्रिया मैं अभी कर रहा हूँ ये शोध ही है ना, अब इसके बाद में मेरी है ना आपसे एक काल के बाद में है ना मेरी शरीर मैं आपसे मिलता हूँ है ना, अब मेरी मतलब जो भी घटनाक्रम होता रहता है ना, उसमें मैं चीजों को पहचानने का प्रयास करता हूँ है ना, अध्ययन करते जाएंगे एक स्थिति में हम जैसा है हाँ, वैसा आप भी हो जाओगे हाँ, तो इस बात जैसे एक स्थिति कभी ना कभी ऐसी आएगी ही हाँ, है ना, जिस स्थिति के अंदर जैसा आप दर्शन स्वरूप हैं मैं भी दर्शन स्वरूप हो जाऊंगा हाँ, है ना, ठीक है ना, तो उस स्थिति को मैं मतलब मानव पद कहूंगा, उसको कहा जाए अनुभव मूलक विधि, उसके बाद अनुभव मूलक विधि स्टार्ट, जैसा हम दर्शन रूप में जीता हूँ हाँ, वो अनुभव आने से हाँ, आप भी अनुभव मूलक विधि से जीना बन जाए है ना, फिर ठीक है बाबा, इस ढंग से मल्टीप्लाई होने की इस ढंग से मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई होने का जो स्वरूप जो मेरी मतलब अभी की स्थिति में भ्रमित स्थिति में जो कल्पना में आता है आप जरा उसको देखिए, ये जैसे है ना अनुसंधान पूर्वक व्यक्ति के रूप में आप ये हैं, जैसे चित्र में देखिए तो सही ना है ना, अब इसके बाद में जैसे आपसे जुड़े 10 लोग हैं, सपोज धरती के ऊपर 10 लोग हैं, अभी 10 लोग वो आपके साथ में अध्ययन करते हैं है ना, तो वो आपको गुरु के रूप में स्वीकारते हैं है ना, इस प्रकार ये 10 लोग जो हैं वो स्वयं दर्शन स्वरूप हो जाते हैं है ना, गति में हाँ, स्वयं दर्शन स्वरूप हो गए, तो उसके बाद वो अनुभव मूलक विधि से प्रकाशित होना शुरू हो गए, इस तरीके से ये एक है ना न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जैसे वैसा ही मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब जैसे एक से आपसे 4 लोग जागृत हुए, 4 से है ना 40 हो गए हाँ 40 हो गए, और उस तरीके से इस ढंग से हम लोग व्यापीकरण करने की संभावना मान रहे हैं ठीक, तो इसके अंदर क्या है हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा जो मतलब अभी सोचने में आता है कि अपन को ना मतलब जो जिज्ञासु हैं, सीरियस जिज्ञासु हैं, उनको मतलब आपने तो पॉइंट आउट किया ही होगा है ना, उनको जरा आइडेंटिफाई किया जाए, और फिर उसके बाद में जैसे मुझे अभी मैं जैसे गौर साहब से बात किया, उनसे बात करके लगा मैं काफी कुछ उनसे सीख सकता हूँ, उनसे मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा है ना, जैसे अभी श्रीराम के साथ में बात किया तो मुझे लगा मैं श्रीराम से काफी कुछ सीख सकता हूँ, सोम से मैंने बात किया तो मुझे लगा मैं सोम से काफी कुछ सीख सकता हूँ, इसी तरह मैं अब ना पवन जी से बात करूंगा, मुझे लगता है मैं पवन जी से काफी कुछ सीखता हूँ, उसी तरह साधन है उससे, तो मुझे ये लगता है अगर है ना हम सभी मतलब इस तरह से एक सेट ऑफ पीपल जो है हाँ, है ना, इसका मतलब सेटअप में आ जाते हैं हाँ, एक सेटअप में आ जाते हैं है ना, तो वो एक मतलब एक बड़ा अच्छा वो नया परिवार बनता हाँ, वही एक मानसिकता में जुड़ने हाँ, वाले लोग हो गए ठीक, तो इसमें फिर क्या है उससे जैसे सोम प्रेजेंट करें और मैं प्रेजेंट करूं तो अलग अलग प्रेजेंट जो ऐसा नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा है ना, क्योंकि वो अभिव्यक्ति और ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही दर्शन है ये पूरे बात इतना है हाँ है ना,
इसमें से इतना किया सोम, आपने इतना किया और साहब इतना किया और जो है ना दूसरे ने साधु ने यहाँ तक कर दिया, ऐसा बात हो सकता। बहुत सुंदर, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, ऐसा ही कुछ सोच रहा। इसको वापस बताया, अभी जो बताया आपने, अभी जो आपने बताया अभी जैसा यहाँ से यहाँ तक है लंबाई अभिव्यक्ति की। इसमें से हमने इतना किया, आपने इतना किया, इन्होंने इतना किया, साधु ने इतना तक करना, एक ऐसा वेरिएशन हो सकता है, किंतु ये सिलसिला भिन्न नहीं होगी। एक दूसरा, हम जो है ना, ये एक व्यक्ति इसमें पारंगत है, प्रमाण है, मैं हूँ, समझ लो आप पारंगत होना है, प्रमाणित होना है, अपेक्षा के रूप में मुझ में अपेक्षा के रूप में। आप जो है ना प्रमाणित होने की अपेक्षा संपन्न, ठीक, उसमें हम सहमत हो, ठीक बात। जो आप हमने जो प्रोड्यूस किया उसको अध्ययन करना शुरू, ठीक, उसको मान करके फॉलो करेंगे तभी भी यही होता है, उसको मान करके फॉलो करेंगे तभी, और कोई तरीका भी नहीं है बाबा, मान के ही जानने की बात आती, बिना माने कौन जाने। वही कुछ बात है तो ऐसा होता है, जान करके मानना है। जैसा हम जानते हैं माँ है, जान रहे हैं, है ना बाबा, वो भी कहाँ जानते, सुनो तो सही, माँ को हम जान लेते हैं बचपन से संभाषण संबोधन के रूप में, उसके बाद में हमारा तर्क से भी हम माए ही है इसमें आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना मानना होता है, जानना होता है, ठीक है बाबा। माँ क्या चीज है, पोषण वस्तु है, ठीक है। मैं उस वो जानने की जो भाषा है ना, आपके साथ में जो इतना 50 घंटे का जो संवाद किए है ना, उससे हम जानने को हम शुरू, मतलब इस बारे में प्रयास कर रहे थे कि जानना किस बिंदु से शुरू होता है, क्या मैं अपनी माँ को वास्तव में जानता हूँ, है ना। तो उस अर्थ में देखा कि मैं अपनी माँ को नहीं जानता हूँ, है ना, मैं केवल है ना कुछ मान लिया हूँ, है ना। अब ये इसमें लगा, फिर उस अर्थ में जब आप कहते हैं कि माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो, तो उसमें ये लगता है कि मुझे आपको मानना होगा और फिर उस आपके आपके जाने, हाँ, आपके जाने हुए को मुझे मानना होगा, तो फिर अपने माने हुए को स्वयं जानना। अभी भी प्रैक्टिस में ऐसे ही है, हाँ बाबा। तो हर बच्चे अपने गुरुजनों को फॉलो करने के लिए मान ही लेता है, हाँ बाबा, तभी अध्ययन करता है, ठीक बात, ठीक है। जब वो जानने की वस्तु नहीं मिलता है सामने से, हाँ, तब वो तिरस्कार होता है, ठीक बात, बिल्कुल। अभी तक ऐसे ही तो हुआ ही, जानने की बात जब बारी जब आती है, हाँ, वो तब जो है ना जब सामने के आचार्य जो थे, हाँ, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, हाँ, तिरस्कार होता है, ठीक बात। बाबा एक बात मैं और इसमें कहना चाहूंगा जो मेरे को लगती है, उसको आप ठीक करिएगा अगर वो ठीक ना हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो ये जानने की स्थिति में आने के लिए आदमी को मासूम होना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ जानना है आपसे तो मुझे मासूम होना होगा, मतलब मासूम मतलब वो तो शुरुआत करना होगा, हाँ, कि भाई मैं जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा करने वाला अगर तर्क से उसको वो पहुंच नहीं पाए ना, वो तो बात हो है ना। तो ये बात मेरे को ठीक लगती है कि ये जो तीनों विधा के जो लोग आपने बताए, ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी, इन तीनों को एक ही बिंदु पे आना होगा, हाँ, मासूमियत की स्थिति पे, है ना। वैसे अभी तक की ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसा हो गया। अभी तक अपन ज्ञान को जो बात सोचते रहे, जो यंत्र को चलाना ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। अभी यंत्र को संचालित करना ज्ञान मान करके अभी तक अपन क्यों उसे रोजी रोटी हो गए, उसको सही मान लिया, ऐसा बात, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद जो है ना ये सब करने में जो परेशानी आई, मूल परेशानी धरती बीमार होना, उसके आधार पर पुनर्विचार करने की जरूरत आ गई। एक तो हम यंत्र को चला करके समाधान इतने ही हुए,
यंत्र रोजी रोटी तो मिल गए हैं, किंतु हम समाधानित नहीं हुए। नंबर है नंबर थ्री, हम किसी संबंध को ठीक से निर्वाह नहीं किए, ये प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम होने से पुनर्विचार की जरूरत है। इतने तो बात ठीक है ना। इस ढंग से अपन लिप कर रहे हैं। तीन मिनट वो सिग्नल दे रहे हैं। तो इस ढंग से हम एक अच्छी ढंग से अच्छी जगह में पहुंचने की एक संभावना बनी। संभावना के आधार पर एक सेशन भी आ गए, प्रस्ताव भी आ गए। संभावना के साथ प्रस्ताव आने से परीक्षण करने के लिए हमारा अधिकार बन गए। परीक्षण करने के लिए अध्ययन करना ही पड़ता है। अध्ययन किए बिना कोई परीक्षण होता ही नहीं। अध्ययन किए बिना कोई परीक्षण होता ही नहीं, ठीक है। अध्ययन के बाद जो अभी जो चाहत रही है वो पूरा होने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, उसको परीक्षण किया जाए, ठीक है। अध्ययन होने के बाद में जो देख अपन चेक कर सकते हैं कि अपनी कोई चीज बची कि नहीं। अभी क्या प्रॉब्लम, अपराध को वैध मानना, उससे मुक्ति मिलता है कि नहीं, भ्रम से मुक्ति मिलता है कि नहीं, अपना पराया के दूरी से मुक्ति मिलता है कि नहीं, इसको परीक्षण किया जा सकता है आराम से। यही तीन प्रॉब्लम है। ठीक मेरे ख्याल से ये एक अच्छा बिंदु पे आ गए। एक दो हाँ जरूर जरूर इसका यार रूप मेरे को भी भेजना कॉपी। हाँ बिल्कुल बढ़िया। ये नॉन ब्राह्मण प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन यही है मानववाद, और दूसरा कोई नहीं है संसार में, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं। मानव चेतना, मानवत्व, मानववाद, ये तिगड़ी ठीक हो गए। इतने में आराम से तमिलनाडु तरेगी, इससे कम में वो तरने वाला नहीं है। तर्क में जो है ना चोटी में पहुंच गए हैं, दुष्टता में चोटी में पहुंच गए हैं, अपराध में चोटी में पहुंच गए हैं। क्या सुना? तर्क में, दुष्टता में और अपराध में। अपराध ठीक है ना। इस ढंग से विश्वासघात में चोटी में पहुंच चुके हैं। इस ढंग से क्या होगा, कहाँ जाके टिकेगा? अभी सुमैया आए थे, वो जो सुमैया के जो कॉलेज से 35-40 लोग आए थे, तो उनका संबोधित करने में ये बताया, तो मुंबई एक ऐसा जगह है अपराध रूपी हिमालय, अपराध को रोकने के लिए एक हिमालय, दोनों टकराने की जगह में बैठा हुआ। ठीक बात है। मैं था बाबा आपके साथ, आपके साथ बॉम्बे में था मैं, आपने जब ना, हाँ थे ना, आपने देख लिया? मैंने देखा। ऐसा दो हिमालय की बात, इसमें हमारा संयोग इस बात की आश्वासन देने या अपेक्षा रखने वाला है कि जो अपराध को रोकने का पक्ष है हिमालय है वो विजय हो, इस पक्ष में हम बात करें। अच्छा क्या है चीज, तो बताया विरोध का विरोध प्रिवेल है, विरोध का दमन प्रिवेल है, सब जगह में पहुंचा। अभी हमारा प्रस्ताव है विरोध का विजय। क्या विजय? हर व्यक्ति अपराध करने वाला भी मानव है, अपराध को रोकने वाला भी मानव है, इन रोकने में जो दमन तक पहुंचा विजय में पहुंचे, अपराध खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये बढ़िया रहा ना, ठीक है। ये बहुत अपील हुआ है, बहुत लोगों को ये स्वीकार हुआ, ये ठीक बात, इस मंजिल में पहुंचने की जरूरत।
अभी जो शिविर हुआ उसमें भी गए थे, अभी जो हैदराबाद में, हैदराबाद 4 दिन था। अच्छा, वो सुमैया के यहाँ से लोग आए थे बताए? हाँ बाबा। ये कैसा है, ये दूसरा आता है बाबा, ये क्या चीज है? वही है, उसी का पास है? नहीं, और एक है, दो है। अच्छा, दो है। हाँ बाबा का फोन, ये एक मैं लेके आया। फिर फोन प्रशांत के पापा। अच्छा, हरिहर। हाँ, रेवा से बात कर रहे हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ छोटी। अच्छा, कैसा लगा? हाँ वो तो चल ही रहा है, आपको क्या अपील हुआ बताओ? हाँ, वहाँ जो है ना ऊर्जा संतुलन की बात प्रमाणित करना चाह रहे हैं, उसमें आपका जो कोई सजेशन होगा तो अवश्य दे जाइए। बर्मी, अच्छा ठीक। गौर साहब से ये बात हुई, आपके जो इंटरनेट प्रोग्राम में वो सहयोगी है, ये आपका इम्प्रेशन बना? बिल्कुल, ये दो बात हुई है।